अभी बच्चों की देखभाल? तीन बच्चे संभालने पड़ते हैं। अच्छा, तीन कौन कौन से? दो हमारे हैं और एक मैं। मैं समझ गया, वैसे मैंने कहा इसको जरा शब्दों में कह दिया जाए। आप भी कुछ मदद करते हैं देखभाल में? ये साहब मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कठिन प्रश्न है और इस बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ रहता हूं कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो मैं समय गुजारना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से ये उम्र जो है बच्चों की वो इस समय 7 साल और 9 साल के हैं और ये उम्र एक बड़ी एक फॉर्मेटिव एज होती है जब मुझे उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन या मैं उनकी पढ़ाई के लिए या उनके कपड़ों के लिए या उनके पेट के पूजन के लिए काम करूं या फिर उनकी तरफ ध्यान दूं, लेकिन कोशिश हमेशा करता हूं कि बहुत देर तक उनसे दूर ना रहूं और जब भी उनकी छुट्टियां हों तो अपना भी काम इस तरह से प्लान करूं कि मैं मेरा काम भी चलता रहे और मैं उनके साथ छुट्टियों में भी रह सकूं। फिर भी मुझे लगता है कि अमित काफी वक्त बच्चों को देते हैं और स्पेशली जो दोनों बच्चे हैं ज्यादा अमित से इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैं जो घर पे देखती हूँ बच्चों का जो बात करने का ढंग या लिखने में बच्चन जी, नाटक में तेजी जी की दिलचस्पी, तो उसका असर तो हुआ आपके ऊपर। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे माँ बाप और बच्चों के साथ। सो अब फिल्मों में जाने में इन चीजों का कितना हाथ रहा आप पर? बिना किसी झिझक के तो ये कहना पड़ेगा और ये कबूल भी करना पड़ेगा कि पिताजी का और माताजी का जो कुछ भी रहा है, जिस तरह उन्होंने मुझे बड़ा किया, जिस तरह की उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, वो चप्पे चप्पे पर नजर आता है। माता जी तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी और कॉन्वेंट में उनकी एडुकेशन हुआ, वो एक बहुत अमीर घराने से थी। और पिताजी बड़े डाउन टू अर्थ और एक लिखने का शौक, लिटरेचर से शौक, तो एक बहुत अच्छा एक मेल मुझे मिला। एक तरह से समझिए कि एक फ्यूजन हुआ ईस्ट और वेस्ट का। और ये खास तौर से आजकल के जमाने में, जबकि ईस्ट और वेस्ट जो है ये इतने नजदीक आ गए हैं साइंस की वजह से या किसी और वजह से, जिसकी वजह से, और जबकि थोड़ा बहुत उधर भी हो थोड़ा बहुत इधर भी हो जानना बहुत जरूरी पड़ गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये मेरे लिए कितना फायदेमंद था कि मुझे जिस तरह के पिताजी मिले वो थे और जिस तरह की माताजी मिली वो थी। और इन दोनों का एक बड़ा ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ में होने की वजह से मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैं इस खानदान में पैदा हुआ और बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूं कि वो अब भी मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं।